वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, हम लोग जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको हम लोग सिविल सर्विसेज कहते हैं। सेवा, सेवा करने के लिए आपको समाधान देना होगा, सॉल्यूशन। द सोसाइटी हैज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन एक अधिकारी को इसी तंत्र में, इसी संसाधन से आपको समाधान देना है। यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस रिसोर्सेज ओनली। तो जब भी आप पढ़ाई करें उसको समाधान के नजरिया से देखें। हम लोग जो कॉन्सेप्ट बात किए थे ब्रेक से जाने से पहले, उसी कॉन्सेप्ट हमारा पृष्ठभूमि है, लेकिन अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट पीटी के लिए रिलेटेड होता है। लेकिन ये सब जानना चाहिए आपको कि ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन में क्या क्या आता है, दलहन में क्या क्या होता है, गेहूं आपका रबी फसल है, ये सब बेसिक्स जानना चाहिए। तो यही क्लास का इंपॉर्टेंस, और एग्रीकल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है और ऐसे भी आपको जानना चाहिए। तो इसी पर्सपेक्टिव में हम लोग ये क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आशा है आपको हम दिखाई दे रहे होंगे, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, राइट? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट जो करते हैं वो है आपका फाइबर क्रॉप्स, जिसको कि हिंदी में रेशेदार फसल कहा जाता है, फाइबर क्रॉप्स। और ये फाइबर क्रॉप्स, ये रेशेदार फसलों में क्या क्या आता है, जहां तक बिहार का सवाल है तो इसमें आपका जूट और मेस्ता आता है, जूट और मेस्ता। और जूट और मेस्ता में देखे होंगे कि यदि इसकी डाटा बात करें तो पिछले पांच सालों में इन द लास्ट 5 years ये रेशेदार फसलों के उत्पादन में गिरावट आई। ये गिरावट क्यों आई है? पहला कारण है कि इसके क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में आपके रेशेदार फसल उगाए जाते थे क्षेत्र में भी कमी आई है। देयर इज अ डिक्लाइन इन द एरिया ऑफ फाइबर क्रॉप्स आल्सो। और दूसरा है इसके उत्पादकता में भी कमी आई है, इसके प्रोडक्टिविटी में भी कमी आई है। तो उत्पादकता में कमी, क्षेत्र में कमी, डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी, डिक्लाइन इन एरिया हैज लेड टू द डिक्लाइन इन फाइबर क्रॉप्स इन बिहार। रेशेदार फसलों में कमी, क्षेत्र के गिरावट, क्षेत्र में कमी और उत्पादकता में कमी के कारण आई है। अब जो है आपका निष्कर्ष यही होना चाहिए कि बिहार में आबादी बढ़ रही है, देयर इज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, और इस बढ़ती आबादी के लिए अब आपको समाधान के रूप में कृषि को बढ़ावा देना ही देना है। सो लेट्स कम टू अ डिफरेंट फैक्ट। अब देखिए चावल, इसी पर्सपेक्टिव में यदि राइस की बात करें, चावल की बात करें, धान की बात करें, तो ये चावल जो है बिहार में, इसका महत्व ये है कि चावल पे बहुत सारे लोगों की जीविका निर्भर है, बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड इस पे निर्भर होता है। और इसके अलावा चावल जो है आपके पोषण तत्वों का पूरक भी है बिहार में। राइस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन सिक्योरिटी आल्सो टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन बिहार। तो बिहार में चावल का एक खास महत्व है क्योंकि ये जीविका का साधन है, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, लोग इसे खाते हैं और कमाते हैं। और दूसरा है कि पोषक तत्व का पूर्ति, न्यूट्रिशन
जो आपके शरीर में बॉडी में जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी चाहिए, बहुत ज्यादा पोषक तत्व आपको चावल से भी मिलता है। चावल जो है इट इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ये जल गहन कृषि है, और जब जब जल में कमी आएगी तब तक चावल के उत्पादन में कमी आएगी। बिहार में जो हम लोग देखे हैं चावल के उत्पादन और उत्पादकता में कमी का कारण क्या रहा है, तो उसका कमी का कारण रहा है कि बहुत सारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा सूखा था, ड्रॉट, बहुत जगह जो है वर्षा की कमी हुई, बहुत जगह जो है एक तरफ सूखा है तो दूसरे तरफ बाढ़ था, फ्लड, और हम लोग देखे थे कि जल जमाव, यदि आपके पास ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, वाटर का आउटलेट सही नहीं है, जल निकासी तंत्र सही नहीं है, जल जमाव सही नहीं है, तो भी चावल की खेती में कमी आ जाती है। तो आपके पास जो है इन ऑर्डर टू इंप्रूव, यू हैव टू इंप्रूव द इरिगेशन फैसिलिटी, तो आपकी ड्राउट प्रोन एरिया सूखापन को हटाएं, फ्लड प्रोटेक्शन मेजर लाना चाहिए ताकि बाढ़ से वैसे स्थिति बच, वैसा क्षेत्र बच सके जहां पे चावल मुख्यता होता है, और तीसरा जल निकासी तंत्र, यू शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन बिहार। अब देखा जाए, अब यदि चावल के डाटा पे हम लोग चलते हैं तो हमारा जो फिगर है, जो हमारा जो डाटा है वो 2017-18 के आधार पे है, याद रखिएगा यही आपका लेटेस्ट फिगर है ना, यही आपका जो है लेटेस्ट फिगर है 2017-18, और उत्पादकता के आधार पर, उत्पादकता के आधार पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिविटी के आधार पर, प्रोडक्टिविटी के आधार पर, उत्पादकता के आधार पर, प्रोडक्टिविटी के आधार पर सबसे ज्यादा चावल उत्पादकता जिला, राइस प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट राइस प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, सबसे ज्यादा चावल उत्पादकता जिला बिहार में है रोहतास, वो है आपका रोहतास, है ना, ये है आपका रोहतास, यहाँ पे 4,105 केजी प्रति हेक्टर चावल का उत्पादन होता है। उत्पादकता के दृष्टि से सबसे ज्यादा चावल रोहतास में होता है, और सबसे कम होता है आपके सीवान में, तो ये है हाईएस्ट सर्वाधिक, और ये है लोएस्ट, ये आपके उत्पादकता के आधार पे है, ये आपके प्रोडक्टिविटी के आधार पर है, यहां तक समझे स्टूडेंट्स, ओके आगे चलते हैं। राइस के यदि उत्पादन पे देखें, उत्पादन राइस का यदि हम लोग प्रोडक्शन का देखें, राइस का उत्पादन या प्रोडक्शन का देखें, तो उत्पादन के आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर बिहार के 3 शीर्ष जिले, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार ऑन द बेसिस ऑफ राइस प्रोडक्शन आर, पहला है आपका रोहतास, दूसरा है औरंगाबाद और तीसरा है कैमूर। तो रोहतास पहला, औरंगाबाद दूसरा, और कैमूर तीसरा, सबसे ज्यादा धान की उत्पादन, चावल का उत्पादन इसी 3 जिलों में हुआ है। याद रखिएगा बच्चों कि यहां तीनों जगह श्री खेती को भी अपनाया जाता है, श्री कल्टीवेशन इज डन इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखते हैं गेहूं का महत्व क्या है बिहार में, क्योंकि ये सर्व प्रमुख रबी फसल है। बिहार में गेहूं का महत्व ये है कि ये सर्व प्रमुख रबी फसल है,
It is the most important rabi crop in Bihar. अब इसमें देखिए कि उत्पादन के आधार पर प्रोडक्शन के आधार पर जो टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट्स है, जो आपके शीर्ष तीन जिले हैं उत्पादन के आधार पर, पहला है आपका रोहतास, दूसरा है आपका मुजफ्फरपुर और तीसरा है आपका सीतामढ़ी। तो गेहूं का उत्पादन का शीर्ष जिला है पहला रोहतास, दूसरा मुजफ्फरपुर और तीसरा आपका सीतामढ़ी। ये है उत्पादन के आधार पर। यदि आप उत्पादकता गेहूं के उत्पादकता पे देखेंगे, गेहूं के प्रोडक्टिविटी के आधार पर देखेंगे, तो शीर्ष जिला है पहला है आपका मधेपुरा, दूसरा है बेगूसराय और तीसरा है आपका रोहतास। तो गेहूं के उत्पादकता के आधार पर शीर्ष तीन जिला है मधेपुरा, बेगूसराय, रोहतास। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट। ठीक है, गेहूं की सबसे कम उत्पादकता आपका होता है शेखपुरा में सबसे कम उत्पादकता। उसके बाद है जमुई और तीसरा है मधुबनी। यानी शेखपुरा, जमुई, मधुबनी सबसे कम जिले में है, सबसे कम जिला है, सबसे कम उत्पादकता है आपके मधुबनी में, उसके बाद है आपके जमुई में और उसके बाद है आपका शेखपुरा है। मैंने नीचे से ये टॉपर है, नीचे से ये आपके उत्पादकता में ये टॉपर है। अब देखिए, गेहूं को अब आप अधिकारी हैं, तो गेहूं के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, गेहूं के उत्पादकता को बिहार में कैसे बढ़ाया जाए, तो इसका तीन तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। पहला है आपका कृषि यंत्रीकरण, मतलब मैकेनाइज योर फार्मिंग मेथड, मैकेनाइज आधुनिक तकनीक लगाइए, कृषि यंत्रीकरण कीजिए, पहला है। और दूसरा है आपका इसके बुआई थोड़ा सा पहले कर दीजिए, अर्ली सोइंग जो है ये दूसरा समाधान है। और तीसरा समाधान है कि बीज प्रतिस्थापन कीजिए, नए टाइप के आपके HYV सीड्स का इस्तेमाल कीजिए, उच्चतम बीज का इस्तेमाल कीजिए। तो गेहूं उत्पादन में तीन समाधान बता सकते हैं, थ्री सॉल्यूशंस बता सकते हैं, फार्म मैकेनाइजेशन आधुनिकरण तकनीक, दूसरा जो है आप बता सकते हैं कि इसकी बुआई को थोड़ा सा पहले कर दीजिए, और तीसरा जो है आप कह सकते हैं कि इसमें सीड रिप्लेसमेंट रेशियो को बढ़ाइए, बीज प्रतिस्थापन में वृद्धि कीजिए, यानी नए नए उच्च किस्म के बीज को आप अपनाइए। अब चलते हैं मक्का। मक्का जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण तीन कारणों से रहता है। पहला तो है कि मानव भी मक्का को इस्तेमाल करते हैं, ये आपके पशु भी इस्तेमाल करते हैं, मुर्गी भी इस्तेमाल करती है, पशु भी इस्तेमाल करते हैं और ये आपके उद्योग में भी इस्तेमाल होता है। तो मक्का का महत्व ये है कि इट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आप जो है मानव के खाद्य पदार्थ में आता है, इसको पशु और मुर्गियों में भी, इट इज यूज्ड एज अ फॉडर फॉर लाइव स्टॉक, और तीसरा है
कि दिस सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज, ये एक कच्चा माल उद्योग के उद्योग में इसका सप्लाई किया जाता है, तो ये कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल होता है। और यदि बिहार को आगे बढ़ाना है तो आपको कृषि आधारित उद्योग को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, इसलिए मेज का, मक्का का आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है। बिहार में मक्का का वृद्धि दो कारण से हुआ है। पहला कारण यह है कि यहाँ पे जो गंगा का मैदान है बहुत ही उर्वरक है, रिच गंगा प्लेन, यहाँ का उर्वरक गंगा की मैदान है। और दूसरा कारण है कि बिहार में मक्का में HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आर यूज्ड इन बिहार, उच्च किस्म के बीज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बिहार में मक्का की सफलता का राज ये दो कारण है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा उत्पादकता का देखें, मक्का का उत्पादकता, मक्का के प्रोडक्टिविटी के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मक्का का उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा आपके यहाँ पूर्णिया में होता है, सबसे ज्यादा पूर्णिया में उत्पादकता के आधार पे सिर्फ जो जगह है पूर्णिया है, और सबसे कम जो है वो है आपका भोजपुर, सबसे कम है आपका भोजपुर। तो पूर्णिया ऊपर से टॉपर है और भोजपुर नीचे से टॉपर है उत्पादकता के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेज प्रोडक्टिविटी। और यदि उत्पादन के आधार पे देखें, आप यदि उत्पादन के आधार पर देखें, यदि आप प्रोडक्शन के आधार पे देखें, तो बिहार के तीन सिर्स जो जिले हैं, पहला है कटिहार, दूसरा है आपका पूर्णिया, उत्पादकता के आधार पे मेज में मक्का में पूर्णिया है, और तीसरा है आपका अररिया। तो उत्पादन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मेज प्रोडक्शन, मक्का उत्पादन के आधार पे तीन शीर्ष जिले हैं, वो है कटिहार नंबर वन, नंबर टू पूर्णिया, और नंबर तीन अररिया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। दलहन का महत्व इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, कहने का मतलब कि इट हैज इट्स ओन इकोलॉजिकल एडवांटेज, पल्सेस हैज इट्स ओन इकोलॉजिकल एडवांटेज। ठीक है, ये परितंत्र की स्थिरता को बनाए रखता है, क्योंकि ये फ्री नाइट्रोजन जो है उसको ऐसे रूप में परिवर्तित कर देता है जिससे कि पौधे इसको इस्तेमाल करें। तो पहला महत्व इसका इकोलॉजिकल एडवांटेज है। दूसरा है कि न्यूट्रिशनल एडवांटेज है, ये पोषक तत्व भी है ना। खास करके बिहार में ये ट्रेंड देखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में जो वेजिटेरियन लोग हैं, बिहार में जो शाकाहारी लोग हैं, उनका यदि डाटा देखा गया है तो देखा गया है कि पल्सेस का जो इस्तेमाल है, दलहन का इस्तेमाल है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसकी अपनी एक पोषक तत्व है, इसका एक अपना न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो पल्सेस का बिहार में खास करके शाकाहारी लोग में इसका मांग बढ़ते जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चीज इसमें यह है कि दलहन जो है बिहार में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में दलहन जो है वर्षा पे आधारित है, इट इज रेन फेड, और बहुत ज्यादा इसमें आप उतार चढ़ाव देखेंगे इसके उत्पादन में, चूंकि ये वर्षा पे आधारित है, बिहार में ये वर्षा को आधारित है, एंड सिंस इट इज रेन फेड इन बिहार, यू विल सी अ वाइड रेंज, वाइड फ्लक्चुएशन इन इट्स प्रोडक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखिए कि दलहन का हम लोग देखते हैं कि उत्पादकता, दलहन में अब हम लोग उत्पादकता का देखते हैं, उत्पादकता, तो सबसे ज्यादा उत्पादकता जो है वो है आपका
बक्सर। बक्सर जो है उत्पादकता के आधार पर नंबर वन है, और आपका उत्पादकता के आधार पे सबसे कम है, मैंने नीचे से जो टॉपर है, नीचे से जो टॉपर है वो है आपका किशनगंज, वो है आपका किशनगंज। किशनगंज से ज्यादा होता है आपके यहाँ समस्तीपुर में, आपके यहाँ होता है समस्तीपुर में। ये नीचे से सेकंड टॉपर है, और थर्ड टॉपर जो है नीचे से वो है आपका सुपौल, वो है आपका सुपौल। तो नीचे से जो टॉपर है उत्पादकता के आधार पे, नीचे से जो सबसे टॉप पे है वो है आपका किशनगंज, किशनगंज के बाद समस्तीपुर, और समस्तीपुर के बाद आपका सुपौल, ठीक है। और यही अब हम लोग, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर। अब हम लोग दलहन के उत्पादन पे चलते हैं, यानी दलहन के प्रोडक्शन पे चलते हैं, दलहन के उत्पादन पे चलते हैं, दलहन के प्रोडक्शन पे चलते हैं। पिछले स्लाइड्स में हम लोग दलहन की उत्पादकता की बात किए थे, अब हम लोग दलहन की उत्पादन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बिहार में सबसे ज्यादा दलहन की उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज इन बिहार है, वो है आपका पटना डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा पटना जिला में। उसके बाद नंबर टू पे है आपका औरंगाबाद, उसके बाद नंबर टू पे है आपका औरंगाबाद, और नंबर तीन पे है नालंदा, और नंबर तीन पे है आपका नालंदा। तो उत्पादन के आधार पे सबसे ज्यादा, प्रोडक्शन के आधार पे सबसे ज्यादा पटना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद आपका नालंदा। आई होप स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा, आई होप स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा। तो अब देखिए ये पोर्शन जो है, कुछ और फसल हम लोग, कुछ और कृषि का आयाम हम लोग जो है बाद के सेशन में देखेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पीटीसी के लिए भी और मेंस के लिए भी, खास करके बच्चों जो हम जब डाटा आप लोग को दे तो वो डाटा को खास रूप से आप ध्यान दीजिएगा, वो इसलिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन पीटी में इस आने की काफी संभावना होती है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। कल सुबह आपके जागने से पहले आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आपके मेल पे मिल जाएगा। तो कल हम लोग दूसरा टेस्ट सीरीज में नॉलेज हंट दूसरा करेंगे, जिसमें कुछ इतिहास का क्वेश्चन होगा, जिसमें कुछ आपका इकोनॉमिक्स होगा, साइंस टेक्नोलॉजी होगा, लॉ होगा, विधि होगा, अप्लाइड, ये सर अप्लाइड होगा। और हम लोग नेक्स्ट से फिर हम लोग मेंस का सेशन में कृषि के कुछ और आयाम को देखेंगे। चलिए थैंक यू।